Thank you, madam, for giving me the floor. Two very interesting speeches. Hindi mein bhi bolunga, ghabraiye mat. Two very interesting speeches. One by Mr. Gala from the TDP and one from the BJP. I heard Mr. Gala's speech very carefully. I listened to everything you said. And in your speech, I sensed a certain anxiety. I sensed a deep feeling of pain. And I want to tell you from here, that you are the victim of a 21st century political weapon. Yes. Very fantastic political weapon. And I want to tell you that you're not alone. There are many, 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 many victims like you in this country. The political weapon is called the Jumla strike. Yes. And the symptoms are the following. First, there is a great sense of excitement, happiness. There's a great sense of happiness, excitement. Then there is a feeling of shock. And after that, there are 8-hour-long speeches. Now, who else are victims of the Jumla strike? The kisans of the country? Speaker, ma'am. The kisans of the country, the youngsters of the country, the Dalits, the tribals, and the women of the country. Aapne bola ki Pradhan Mantri ke shabd ka matlab hona chahiye. Aur yahi sawal pura Hindustan aaj pooch raha hai. ₹15 lakh हर व्यक्ति के बैंक अकाउंट में जुमला नंबर एक जुमला स्ट्राइक नंबर एक ₹15 लाख हर बैंक अकाउंट में जुमला स्ट्राइक नंबर दो करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार रोजगार पे चलते हैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी आप कौन सी दुनिया में हैं प्लीज आप कौन सी दुनिया में हैं मेरे पास यहां आंकड़े हैं मेरे पास मैं देख रही हूं ना उनका नाम लिया आपसे पहले आप मत डिस्टर्ब करो उनको बैठो मैंने तुरंत प्लीज कर गए 2016 और 17 में पूरे हिंदुस्तान में 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला ये लेबर ब्यूरो के सर्वे के डिटेल्स हैं मेरे नहीं हैं इनके आंकड़े हैं हिंदुस्तान के युवा ने प्रधानमंत्री जी पे भरोसा किया था और हर भाषण में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा और सच्चाई है कि सिर्फ 4 लाख युवाओं को रोजगार मिला है दूसरे तरीके से कहता हूं जो काम चाइना 50,000 युवाओं को 24 घंटे में रोजगार देता है उसी काम को आप लोग 400 युवाओं को 24 घंटे में काम देते हो ये सच्चाई है इनके खोखलेपन की ये सच्चाई है इनके शब्दों की और जहां भी जाते हैं रोजगार की बात करते हैं कभी कहते हैं पकौड़े बनाओ कभी कहते हैं दुकान खोलो
रोजगार कौन लाएगा? रोजगार स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस लाएंगे, छोटे दुकानदार लाएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आएंगे। और आपने क्या किया? आपने क्या किया? पता नहीं क्या हुआ, कहां से मैसेज मिला, क्या हुआ, 8 बजे रात को काले धन के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने एक्शन लिया, डिमोनेटाइजेशन किया। शायद समझ नहीं थी कि किसान मजदूर गरीब अपना धंधा कैश में चलाते हैं। मैं सूरत गया और सूरत के लोगों ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री जी ने सबसे जबरदस्त चोट हमें मारी है। मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। और आज बेरोजगारी हिंदुस्तान में 7 साल से सबसे ज्यादा है। यह है नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी के शब्दों का सच। प्लीज प्लीज, नहीं आप बैठे हुए लोगों की मत सुनो, ये मगर वहां नहीं रुके। जीएसटी कांग्रेस पार्टी लाई थी, आपने विरोध किया था, आपने विरोध किया था, गुजरात के चीफ मिनिस्टर ने विरोध किया था। हम चाहते थे कि एक जीएसटी हो, पेट्रोल डीजल उस जीएसटी में हो, हिंदुस्तान के लिए एक टैक्स लगे और कम से कम डिसरप्शन हो। नरेंद्र प्रधानमंत्री की जीएसटी, 5 अलग अलग जीएसटी, और छोटे से छोटे दुकानदार के घर के अंदर आपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डाल दिया, घुसेड़ दिया, और करोड़ों करोड़ों लोगों को आपने बर्बाद किया। प्रधानमंत्री जी बाहर नहीं जाते हैं, नहीं बाहर जाते हैं मतलब अब्रॉड जाते हैं, ओबामा जी के पास, ट्रंप जी के पास जाते हैं, मगर अपने अपना जो सिक्योरिटी कवर है, अपना जो सिक्योरिटी कवर है उससे बाहर नहीं निकलते हैं। प्रधानमंत्री की छोटे दुकानदारों से, स्मॉल बिजनेस से बात नहीं होती है। प्रधानमंत्री की बात सिर्फ सूट बूट वाले 15-20 सबसे बड़े बिजनेसमैन से होती है। तो जो छोटे दुकानदारों के दिल में है, जो किसानों के दिल में है, जो गरीबों के दिल में है, वो प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचता है। तो पूरी रोजगार के पूरे सिस्टम को आपकी सरकार ने जबरदस्त ठोकर मारी, अनएम्प्लॉयमेंट फैलाया। और जैसे मैंने कहा, जो पहले पैसा कमाते थे छोटी दुकान चलाकर, छोटा बिजनेस चलाकर, मीडियम साइज बिजनेस चलाकर, उनकी जेब के अंदर आपने हाथ डाला और उनका पैसा आपने छीन लिया। इस सच्चाई को बदला नहीं जा सकता है। और आपने बिल्कुल सही कहा, जियो के इश्तिहार पे प्रधानमंत्री जी का फोटो आ सकता है। और वो जो शक्तियां जो इनकी मदद करती हैं, और वो 10-20 बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके लिए ये सब कुछ करते हैं, मगर बाकी हिंदुस्तान के लिए, गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए दिल में थोड़ी सी भी जगह नहीं है। कहा था
प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं देश का चौकीदार हूं, मैं चौकीदारी करूंगा, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं देश का चौकीदार हूं। मगर जब अमित शाह के पुत्र जय शाह 50 हवाई जहाज हमारी यूपीए की डील में हवाई जहाज का दाम 520 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज। पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, पता नहीं क्या हुआ, किससे बात हुई, प्रधानमंत्री जी फ्रांस गए, वहां पे किसके साथ गए पूरा देश जानता है, और जादू से हवाई जहाज का दाम 1600 करोड़ रुपए प्रति हवाई जहाज हो गया। डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं, डिफेंस मिनिस्टर यहां बैठी हैं, उन्होंने पहले कहा कि मैं देश को हवाई जहाज का दाम बताऊंगी, पब्लिक में कहा, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोला कि मैं ये आंकड़ा नहीं दे सकती हूं, क्योंकि फ्रांस की सरकार और हिंदुस्तान की सरकार के बीच में एक सीक्रेसी पैक्ट है। मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला और मैंने स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से यह सवाल पूछा, क्या ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में है, और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे बताया कि ऐसा कोई पैक्ट हिंदुस्तान की सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच में नहीं है। यह सच्चाई है, और उन्होंने मुझे बताया इससे कहने से मेरा कोई इतराज नहीं है, आप यह बात पूरे हिंदुस्तान को बताइए।